क्या लगता है सर, विद्याधर नगर में इस बार किसकी जीत होगी? दिया कुमारी की। कैसा लगता है सर आपको? सर एक्चुअली वहाँ क्या ज़्यादा राजपूत ब्राह्मण और ये है, और वैसे तो वहाँ तो वो कोई भी खड़ा हो जाए तो वहाँ राजपूत ही ज़्यादा जीतता है। मतलब क्या ये कास्ट का सिस्टम चल रहा है क्या? बिल्कुल, यहाँ तो आप तो यहाँ बीजेपी का गढ़ है ये विद्याधर नगर है। कैसे नहीं, बीजेपी की सरकार आई है वो ठीक है, आपने बताया ठीक है, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि वहाँ पे राजपूत ज़्यादा हैं तो राजपूत राज को सपोर्ट कर रहा है, बाकी क्या क्या है? नहीं सर, सपोर्ट तो सभी कर रहे हैं, लेकिन ये जो अपना ये विद्याधर क्षेत्र है ना, ये यहाँ बीजेपी का ये गढ़ है। बीजेपी ने सांसद से नहीं कोई भी उनको जो टिकट दी है एमएलए के लिए, तो क्या लगता है क्या सोच के टिकट दी होगी? हो सकता है दिया कुमारी को भावी मुख्यमंत्री बनाए। अच्छा, तो ये लगता है कि आपको मुख्यमंत्री का पद भी उनको मिल सकता है, ठीक है, तो क्या उम्मीद है, कितनी उम्मीद है कि वहाँ से इनकी जीत हासिल होगी? उम्मीद कम से कम 1,00,000 वोटों से तो होनी चाहिए। लोगों का कहना है कि कांग्रेस के जो कैंडिडेट है ना, सीताराम अग्रवाल, उन्होंने काम बहुत करवाए हैं, तो काम पर वोट नहीं पड़ के विद्याधर नगर में क्या नाम पर वोट पड़ रहे थे? बिल्कुल सर, यहाँ तो ज़्यादातर विद्याधर नगर में तो नाम पर ही वोट पड़ता है ज़्यादातर। अगर नरपत सिंह जी को टिकट मिलता है यहाँ से तो क्या वो जीतते इस बार? क्योंकि उनका थोड़ा सा नेगेटिव। हाँ, ना वो नहीं जीतते इस बार, क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया है। काम उन्होंने क्या है, जैसे कोरोना के दौरान कोई आए नहीं, किसी को मतलब कोई नहीं, लेकिन ये दिया कुमारी करेगी, उम्मीद है पूरी, और ये भावी मुख्यमंत्री भी है लग रहा है मेरे को। चोटवाड़ा और ये जो विद्याधर नगर विधानसभा है ना, यहाँ पर एक सेम ही परसेप्शन ये है कि दोनों जो लोग हैं वो सांसद हैं और वो लोग पीए लेके चलते हैं साथ में, उनसे सीधा संपर्क नहीं किया जा सकता। बढ़िया है ना सर, पीए लोग होंगे तो पीए लोगों का सीधा संपर्क तो कहाँ हो पाते हैं, इनसे भी नहीं हो पाते हैं। अगर मान लो कहीं दूसरी जगह से तो वो भी नहीं हो पाता, पीए तो ज़रूरी है, पीए के बिना तो कोई काम भी नहीं चलता है। तो अब अपन कहीं भी दरवाज़ा खटखटाएंगे फिर उसके बाद ही तो अंदर जाएंगे, तो वही है, वो तो बहुत ज़रूरी है, पीए तो ज़रूरी है।